Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students? This is your English period. First recite dua. Rabbi zidni alma. Oh, my Lord, increase my knowledge. Beta, open your book, page number 41. We are on page number 41. Beta, write today's date and day over here. The exercise is learn to read too. This is the exercise of the chapter which we have just finished. That is Johnny Apple Siege. Okay.

सो द आंसर इज दिस इंसिडेंट गेव हिम अ पर्पज इन लाइफ ही गॉट द आइडिया ऑफ प्लांटिंग एप्पल ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री साइज ओके दिस इज पार्ट नंबर एंसर नाउ द पार्ट नंबर बी इच वॉज द बिगिनिंग ऑफ हिस मिशन इन लाइफ डू यू एग्री ये उसकी लाइफ के मिशन की बिगिनिंग थी क्या आप एग्री करते हैं द आंसर ऑफ पार्ट बी इज यस इच वॉज Because he spent rest of his life planting apple trees all around the country, okay? Now, question number two, how did John Chapman come to, know, come to be known as Johnny Appleseed? John Chapman, Johnny Appleseed, kaise bana? Answer number two is John Chapman came to be known as Johnny Appleseed because he planted apple seeds everywhere and gave bags of apple seeds to everyone. Okay? Question number three: Johnny loved to be outdoors. Pick out two examples from the passage to support this statement. Answer number three. These are the two examples Bete he went on nature rambles. He slapped on the forest floors. Question number 4 The text implies that Johnny fell ill because he was worried that his precious apple trees would die in the severe winter. What does this tell you about him? Johnny बीमार हो गया था ना जब उसने कि ये इस बात से कि उसके apple trees सब winter में मर जाएंगे तो इस बात से आपको उसके बारे में क्या अंदाजा होता है? Answer is it shows that he was deeply attached to his apple trees. Okay, question number five truly, lessons in conversation begin with this man. Do you agree with this statement? Give reasons to support your answer. Answer number five yes, he showed everyone how to live in. हारमनी विद नेचर है ना उसने हर एक को बताया था कि नेचर की हारमनी के साथ कैसे रहा जा सकता है जब हम प्लांट्स को ट्रीज़ को लव करें एनिमल्स को भी लव करें किसी को हार्म ना करें ऑल राइट right? ना बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स हेयर आर सम वर्ड्स ये डिस्क्राइब जॉनी प्लेस दीज वर्ड्स अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्ट्स गिवन इन द टेबल ब्लू आपको वर्ड्स दिए गए हैं अबाउट जॉनी और यहाँ पर आपको बुक में से आपके चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं ये पढ़ने के बाद उसकी कौन सी क्वालिटी मैच करती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले हम क्वालिटीज पढ़ लेते हैं नेचर लवर एडवेंचरस फारसाइटेड पीस लविंग एनिमल लवर सिम्पल फ्रेंडली ब्रेफ हेल्पफुल काइंड जेंटल ओके नाउ द एक्स्ट्रैक्ट ए ही थाट दैट इफ़ ही कुड कलेक्ट इनफ सीड्स एंड प्लान दैम ऑल ओवर दैन द होल कंट्री वुड बिकम ग्रीन विद एप्पल ट्रीज जी उसने यही सोचा था ना कि अगर वो कलेक्ट कर ले इनफ एप्पल सीड और उन्हें प्लान कर दे तो पूरी कंट्री जो है वो फिल हो जाएगी एपल ग्रीन ट्रीज से तो ये कौन सी क्वालिटी उसकी बताती है हमको फार सीक है वो दूर की सोचता था फार साइड सी नाउ नंबर बी जॉन चैप मैन ऑल्सो ट्रैवल विद डैम नॉट इन अ हॉर्स ड्रॉन खैरेज बट ऑन फूड यम ने पढ़ा था ना कि जॉन चैपमैन ने उनके साथ ट्रैवल किया था लेकिन कैसे ट्रैवल किया था पैदल ट्रैवल किया था तो ये क्वालिटीज़ हमें इसकी क्या क्वालिटीज़ बताती हैं इसकी हमें क्वालिटीज़ बताती हैं कि ही वॉज एडवेंचरस उसे शौक था एडवेंचर करने का एंड ही वॉज सिंपल लाइक दिस

ओके नंबर डी ही डिड नॉट कैरी एनी वेपन विद हिम इन दोज डेज पीपल हैड टू कैरी वेपन्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्राम वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्रॉम देअर एनिमीज बट जॉन कैरिट ओनली अ बैग ऑन इज बैग जी उस ज़माने में जब लोग सारे वेपन्स लेकर चलते थे जॉनी के पास कोई वेपन नहीं होता था तो इससे हमें इसकी कारिटीज़ पता लगती हैं ही वॉज ब्रेफ है ही वॉज सिंपल वो ज़्यादा चीज़ अपने पास नहीं रखता था ही वॉज जेंटल ठीक है ना वो लोगों को या एनिमल्स को मारना नहीं चाहता था एंड ही वॉज करेजियस वो बाम्मत भी था ओके नेक्स्ट ई ऑन हिज वे ही मेट वर्स जैकल्स डियर एंड बर्ड्स बट ही वाज नेवर अटैक बाय दिस एनिमल्स उसको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ही मिलते थे लेकिन कभी किसी एनिमल ने उस पर अटैक नहीं किया इसकी वजह क्या थी बेटे बिकॉज ही वॉज एनिमल लवर

all right so do this work in your notebook page this work will be done here but the question and answers will be done in your notebook first make the title page of johnny appleseed and then start working jazakallah <laughs> khairan kaseera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.